भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भजरे भजरे। आइए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी बहुभाषी विद्वान। ये बात उन दिनों की है जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते तेनालीराम को काफी अरसा गुजर चुका था और उनकी विद्वता की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। एक दिन की बात है कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण आया। उसने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, राजन मैंने सुना है कि आपके पास एक से एक विद्वान दरबारी है। आपने ठीक सुना है ब्रह्मदेव। महाराज ने प्रसन्न दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखकर गर्वपूर्ण लहजे में कहा, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमता पर गर्व है, तो क्या कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? कहकर उस ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल में, कन्नड़, मराठी, मलयालम और कुड़की भाषा में भी उसने धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। वो जब भी जो भाषा बोलता था लगता था वही भाषा उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपने उद्गार व्यक्त करने के बाद वो बोला, राजन क्या आप या आपका कोई दरबारी बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी दरबारी चुप, कोई समझ न पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा, तब वे अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज मेरी प्रार्थना है कि इन विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराया जाए तथा मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब अतिथि एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे कि पांव छूने के बहाने तेनालीराम ने उनके पांव में कांटा चुभा दिया। पंडित जी दर्द से छटपट आए और तामिल भाषा में अम्मा अम्मा कहने लगे। तेनालीराम ने वैद्य को बुलाकर तत्काल उनका उपचार कराया। दूसरे दिन विद्वान सभा में आए और बोले, महाराज आज चौथा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज इनकी मातृभाषा तमिल है। वाह वाह तेनालीराम। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि बोल पड़े, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये कैसे पता चला? हे सम्मानित अतिथि, आपके पांव में जब मैंने कांटा चुभाया था तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख तकलीफ या संकट में होता है तब अडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी स्वाभाविक भाषा में अर्थात मातृभाषा में अपनी माँ और परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए मैंने जानबूझकर आपके पांव में कांटा चुभाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। महाराज मैं तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि के श्रीमुख से ये सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतार कर भेंट स्वरूप दिया। दरबारियों ने भी उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रख ली। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भजरे भजरे।